हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ कार अंडर 8 लाख, देन फटाफट से इस गाड़ी को अपने ऐड कर लीजिए बकेट लिस्ट में, क्योंकि आज हमारे सामने खड़ी है सिट्रॉन C3 अपडेटेड वर्जन। वेरिएंट की बात करूँ तो साइन है नॉन टर्बो पे। सो गाइज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस गाड़ी का फुल वॉक और इंटरव्यू, क्या कुछ आपको पर्टिकुलर मॉडल में सिट्रॉन फीचर ऑफर करती है और क्या अपडेट करके इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिलने वाले हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। वही बात करें अगर इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल भी आपको गाइज यहाँ पे जो है ना काफी क्लासेस आपको मिल जाती है, जो सिट्रॉन की सिग्नेचर आपको यहाँ पे जो है ना फ्रंट प्रोफाइल में डेफिनेटली हर गाड़ी पे आपको मिलने वाली है। सो मिड में आप देख लो सिट्रॉन की ब्रांडिंग लोगो आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे कनेक्टेड जो भाई डार्क क्रोम ग्रिल्स मिलते हैं ना, देखने में काफी प्यारे लग रहे हैं। इवन गाड़ी का कलर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिल्वर ग्रे कलर की फिनिशिंग मिल जाती है, तो डेफिनेटली इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वहीं अगर बात करूँ DRL की, तो DRL आपको यहाँ पे जो है भाई सेम आपको सिट्रॉन के सिग्नेचर पे ही मिलने वाला, मतलब डेफिनेटली सब वही सेम आपको यहाँ पे जो है बी शेप में DRS अवेलेबल हो जाती है, वो कि LED सेटअप में है। इवन वहीं अगर बात करूँ हेडलैम्प्स की, तो आपको यहाँ पे जो हेडलैम्प सेटअप गाइज आपको मिलने वाली LED सेटअप पे ही दिया गया है, बट फॉगलाइट आपको हेलोजन सेटअप में मिलने वाली है। सो फ्रंट में देख लो, डाउन पे आपको यहाँ पे जो है ना भाई सिल्वर कलर की जो फ्रंट स्क्रीन प्लेट अवेलेबल हो जाती है, और सामने ग्रिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिल्स आपको यहाँ पे जो है मैटी ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया है। सो बोनेट अगर आप देखते हैं तो बोनेट पे आपको यहाँ पे बढ़िया सा कर्व्स एंड सीट्स आपको अवेलेबल हो जाती है एज यूजुअल, बट चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि कई बढ़िया सा आपको यहाँ पे चेंजेस मिल जाती है। टायर आपको 15 इंच के मिलने वाले विद अलॉय व्हील के साथ, जो ड्यूअल ट्यून आपको अलॉय व्हील ऑफर करा गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक गाइज मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है ना 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है। सो वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिट्रॉन का एक अलग सा आपको क्रोम इंसर्टेड बढ़िया सा आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिलने वाली है। बट एक चीज मैं बता दूँ, पहले यहाँ पे भाई आपको साइड इंडिकेटर मिलता था, जो कि अब चला गया है आपके ORVM पे। सो अब ORVM पे आपको यहाँ पे जो है साइड इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिल जाएगा, और ORVM की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में मिलने वाली है। वन मोर थिंग, एक एक्साइटिंग है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बढ़िया सा आपको यहाँ पे जो है सीट्स मिल जाते हैं, जो कि पहले नहीं मिलती थी, सो आपको अवेलेबल अब है। और ABC पिलर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ब्लैक टेप की फिनिशिंग में ABC पिलर अवेलेबल हो जाती है गाइस। थोड़ी सी अपर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है रूफ रेल्स अवेलेबल हो जाती है, जो कि बहुत सही है। एंटीना की बात करूँ तो आपको यहाँ पे टेल एंटीना ऑफर होने वाले, जो कि वहाँ पर लग जाएगी। इवन वहीं डोर हैंडल की बात करें, बॉडी कलर डोर हैंडल अवेलेबल हो जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ, 30 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर्टिकुलर मॉडल पर दिया गया है। और वन मोर थिंग अपडेट आपको यहाँ पे गाइस मिलने वाली है, जो कि है ये सीट्स। आप जो पहले जो वेरिएंट आती थी, पहले जो सिट्रॉन C3 आता था, वहाँ पे आपको जो है ना ये सीट्स अवेलेबल नहीं थे, बट आपको यहाँ पे जो है अब सीट्स मिलने वाली, जो कि बसाल्ट पे भी आपको मिल जाता है। इवन थोड़ी अगर रियर पे आते हैं तो रियर पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आपको स्पॉइलर नहीं है, बट थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा सा निकला मिल जाता है। रियर विंडशील्ड की बात करूँ तो वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों चीज़ गाइज आपको पर्टिकुलर वेरियंट में अवेलेबल हो जाती है। इवन डिफॉगर देखेंगे तो बढ़िया सा आपको यहाँ पे डिफॉगर सेटअप दिया गया है। रियर प्रोफाइल से गाइज आपको गाड़ी कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है, सिट्रॉन की ब्रांडिंग लोगो एंड आपको यहाँ पे जो है ना C3 का एनवेलप दिया गया है। वन सेकेंड, वहीं अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के टेल लाइट की, तो आपको टेल लाइट कुछ इस तरीके से मिल जाती है। LED तो नहीं है आपको यहाँ पे जो है LED सेटअप पे टेल लाइट ऑफर नहीं करी गई है। इवन यहाँ पे देखेंगे तो साइड इंडिकेटर प्लेसमेंट गाइज आपको यहाँ पे दिया गया है। और वहीं थोड़ी डाउन पर अगर देखेंगे तो आपको डाउन पे जो है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट अवेलेबल हो जाती है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा, तो वहाँ पे आपको मिल रहा है, वो खुद जाके दिखाऊंगा, बट आपको यहाँ पे सेंसर्स भी अवेलेबल हो जाती है, और कैमरा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिया गया है। सो अगर मैं टेलगेट की बात करूँ, टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो मैग्नेटिक बटन भी गाइस इस वेरियंट पे मिलने वाली है, सो बहुत ही बढ़िया यार। और टेलगेट कुछ इस तरीके से आपकी ओपन हो जाएगी, लगभग लगभग 310 या 315 आपको यहाँ पे लीटर का जो है ना बूट स्पेस मिलने वाली, जो सफिशिएंट बूट स्पेस गाइज इस वेरिएंट में मिल जाती है, और इसके सारे वेरिएंट्स में लगभग लगभग उतने ही मिलने वाले हैं। और ये देख लो तो आपको पार्सल शेल्फ में दिया गया है। सो रियर सीट की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो 60-40 स्प्लिट में रियर सीट तो नहीं है, बट फुल्ली आपको 100% फोल्डेबल अवेलेबल हो जाती है। सो चलो कर लेते हैं अपन पहले इसको बंद। गाइज ये तो था एक्सटीरियर, वहीं अगर बात करें हम इंटीरियर की, तो इंटीरियर जाने से पहले ना आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इस गाड़ी की की, जो कि भाई फुल्ली अपडेट हो गई, जिस पर लॉक अनलॉक का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है, और कि आपको की जो है ना फ्लिप की अवेलेबल हो जाती है। तो चलो कर लेते हैं ड्राइवर साइड की डोर को ओपन। एंड ड्राइवर साइड की डोर ओपन करते ही आपको यहाँ पे जो है ना डोर ट्रिम मिलने वाली है, कुछ इस तरीके से गाइस अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 विंडो पावर कंट्रोल्स हैं, जो कि भाई ऑटो डाउन मिलते हैं, बट ऑटो अप नहीं दिया गया, वो जो चारों विंडो आपको ऑटो डाउन मिल जाती है। सो इंटीरियर डोर हैंडल सिल्वर कलर की फिनिशिंग में, बॉटल होल्डर रिप्लेसमेंट और स्पीकर रिप्लेसमेंट गाइस आपको यहाँ पे दी गई है। 4 स्पीकर्स पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको अवेलेबल हो जाती है।
एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। एंड आप एक बार और देखेंगे तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर जो है ना भाई ड्यूअल कलर की फिनिशिंग आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में ऑफर करी गई है। एंड वन मोर एक्साइटिंग चीज़ आपको यहाँ पे जो चीज़ होने वाली है ना, जो ड्राइवर साइड का जो सीट है आप 21 टाइम आप गाइज इसको अप कर सकते हैं, जिससे आपकी विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और यहाँ से देख लो जैसे कि थाई सपोर्ट के लिए ना, जो सीट की ये ब्रेक लाइनिंग है बढ़िया परफेक्ट सा करा गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बारीक चीज़ों का ना इस गाड़ी में ध्यान रखा गया है। इवन हेडरेस्ट की मैं बात करूँ तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट ही दिया गया है और फुल्ली आपको यहाँ पे जो है ना फैब्रिक अपहोल्स्ट्री गाइज अवेलेबल हो जाती है। एंड यहाँ पे देख लो तो आपको यहाँ पे जो है ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी और फोल्ड भी कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस C3 पे नहीं आता था, अभी इसमें मिलने लग गया है। एंड यहाँ पे देख लो हैंड लैम्प लेवलर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है गाइस। सो गाइस अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर पे, वहाँ जाके बात करते हैं सिट्रॉन और क्या कुछ अपडेट इस गाड़ी पे किया है। सो लेट्स गो दोस्तों। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सिट्रॉन C3 के इंटीरियर पे, और इंटीरियर पे आते हैं डैशबोर्ड आपको गाइस कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ इसके स्टेयरिंग की, तो आपको यहाँ पे फुल्ली लेदर रैप स्टेयरिंग ऑफर करी गई है और फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग भी आपको यहाँ पे दिया गया है। सो मिड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सिट्रॉन की ब्रांडिंग लोगो, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोलिंग बेसिकली दी गई है। मेन्यू बटन दबाते ही आपको यहाँ पे जो है ना कुछ हरकत होने वाली है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सो अपन बैक कर लेते हैं एंड देन लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोलिंग अवेलेबल हो जाती है, कॉलिंग कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, वॉइस कमांड कनेक्टिविटी, सो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ना यहाँ पे राइट साइड पर मिलने वाली है। यहाँ पे देख लो तो आपको वाइपर वॉशर कंट्रोलिंग अवेलेबल है एंड देन आपको यहाँ पे जो है हेडलैम्प्स की कंट्रोलिंग दी गई है। और वहीं बात करूँ स्टेयरिंग की, अगर एडजस्टिंग सिस्टम की, तो आपको यहाँ पे जो है ना टिल्ट स्टेयरिंग दी गई है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है। अपडेट की हम बात कर रहे थे, अपडेट की मैं बात करूँ तो आपको अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मिलने वाले फुल्ली डिजिटली यहाँ पे मिलने वाले, पहले वो नहीं था। सो आपको यहाँ पे डिजिटली आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाले, जिसकी स्पीडोमीटर आप यहाँ पे देखेंगे, RPM मीटर आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाली है, फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे शो होगी एंड सारी मल्टी फंक्शनिंग चीज़ें आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। टाइमिंग, टेम्परेचर, फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे दिया गया, बट TPMS आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएंट पे नहीं मिलने वाली है। सो ABS/ABD बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बट TPMS टायर प्रेशर मॉनिटर आपको पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है दोस्तों। एंड ये देख लो इस गाड़ी का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.23 इंचेस का आपको यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ऑटो एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो स्मूथनेस की अगर बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ आपको यहाँ पे जो वर्क कर रही, पता नहीं क्या ही छू गया यहाँ पे। एंड डिस्प्ले देख लें तो पता नहीं यूजर मोड एंड ब्राइटनेस आपको यहाँ पे शो हो रही है। सो ब्राइटनेस आप यहाँ पे जो है इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी मिलने वाले, मीडिया, ब्लूटूथ, ऑटो एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन सिस्टम, सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मिलने वाली है। एक दूसरे वीडियो में हम इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देख लो आपको यहाँ पे जो है ना AC विंड्स अवेलेबल हो जाती है दोस्तों, जिसमें आपको सिल्वर एसेंट्स आपको अवेलेबल है। सो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, और ये पैनल आपको मिल रही है मैटी ब्लैक कलर की फिनिशिंग में मिलने वाली है। चेंजेस की यहाँ पर डैशबोर्ड की हम बात करें तो आपको यहाँ पे जो है ना मैंने बताया था ब्राउन, साइनी ब्राउन, बेसिकली साइनी ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे जो है एसेट्स मिल जाती है। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टोरेज तो नहीं कहूँगा, बट स्टोरेज टाइप का आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो सिल्वर कलर की एसेट्स यहाँ पे जो है ना यूज़ करी गई है, देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। ग्लोव बॉक्स की साइज की बात करूँ तो यूज़ ग्लोव बॉक्स की साइज़ आपको यहाँ पे गाइज मिल जाती है। इवन बहुत ही बढ़िया अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों कि ऑटो AC आपको मिल जाती है बढ़िया सा। यहाँ पे आप देखें तो AC पैनल्स आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। हजार लाइट का बटन आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फोन रखने के स्टोरेज यहाँ पे है, और देख लो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स और कुछ स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो इस गाड़ी का गियर बॉक्स की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो 5 मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स है, एक्चुअली ये नॉन टर्बो वेरिएंट है। अब टर्बो वेरिएंट आप लेंगे ना तो आपको यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स अवेलेबल हो जाती है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स अवेलेबल हो जाती है एंड सराउंडेड टू गियर बॉक्स, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, बट कमी है हर एक चीज़ की जो है आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट पे नहीं दिया गया। स्टोरेज वन सेकेंड गाइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। और वही सेफ्टी का मैं बात करूँ, जो कि है बहुत बड़ा आपको अपडेट आपके गाइज यहाँ पे सिट्रॉन C3 पे मिलने वाला है। सो नाउ अब आपको यहाँ पे जो है ना 6 एयरबैग पर्टिकुलर वेरिएंट में गाइज ऑफर होने वाली है। और को ड्राइवर साइड का सनवाइजर देख लो वैनिटी मिरर के साथ मिल रही है, एंड ड्राइवर साइड का सनवाइजर पे कुछ नहीं मिल रहा। लाइक यार यहाँ पे टिकट होल्डर तो मिलना चाहिए था, बट वो भी नहीं दिया गया। ये देख लो डे एंड नाइट IRBM
आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और रेडिंग लाइट की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे हेलोजन सेटअप में गाइज मिलने वाली है। सो अपडेट्स आपके साथ मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ साथ साथ में क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। जैसे मैंने बोला कि 6 एयर बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं इसके कम्पिटेटिव जो भी गाड़ियाँ आ रही है सारे में 6 एयर बैग मिल रहा है। और यार इंडियन जो है ना भाई कंज्यूमर जो है इंडियन कस्टमर जो है वो भी जाग गए हैं। सो जो है भाई पैसे तो ठीक है पर सेफ्टी जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया। सो अब आपको यहाँ पे जो है 6 एयर बैग अवेलेबल हो जाती है। सो गाइस ये तो था इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट पे, वहां जाके बात करते हैं क्या कुछ आपको स्पेस एंड फीचर्स मिलने वाली है। सो लेट्स गो दोस्तों, बात करूंगा इस गाड़ी के रियर सीट की स्पेस की। तो रियर सीट में भी काफी आपको स्पेस गाइस इस गाड़ी पे मिलने वाली है। पर उससे पहले देख लो यार रियर सीट की डोर ट्रिम भी लगभग सेम है। इंटेंट डोर हैंडल आपको यहाँ पे देखेंगे तो सी लोग फिनिशिंग में पावर विंडो कंट्रोल्स एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाटर होल्ड रिप्लेसमेंट स्पीकर रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। सो वन मोर थिंग आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सीट कुछ इस तरीके से रिक्लाइनिंग में मिलने वाली, मतलब ज़्यादा रिक्लाइनिंग आपको यहाँ पे नहीं दिया गया बट हाँ रिक्लाइन तो मिल जाती है। बट हेडरेस्ट देखेंगे तो दो ही मिलने वाली है बट आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है। एंड सीट की बात करूँ तो ये जो आप ये पोर्शन आप देख रहे हो ना ये थोड़ा सा उठा हुआ जिससे आपके यहाँ पे जो है ना साइड थाई को सपोर्ट मिल जाती है। इवन अंदर आते ही एक चीज़ मैं बता दूँ तो इस गाड़ी में जो थाई सपोर्ट गाइज आपको मिलने वाली है परफेक्ट मिल जाती है, मतलब थाई सपोर्ट के लिए दिक्कत नहीं होनी है। इवन नी स्पेस भी आप देखेंगे तो नी स्पेस भी आपको यहाँ पे बढ़िया सा मिल जाती है। हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी ठीक ठाक है, मतलब मेरी हाइट लगभग 5.8 समथिंग है एंड उस वजह से देखेंगे तो हाइट के लिए मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो डुअल पॉइंट जो है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल रही है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट गाइज आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। एटलीस्ट यार टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तो देना चाहिए था। और रियर से देख लो डैशबोर्ड का लुक गाइज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पे देख लो ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट हो जाती है। सो गाइज अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन पे, वहां जाके बात करते हैं क्या कुछ पावर्स एंड टॉर्क्स गाड़ी जनरेट करती है। सो लेट्स गो दोस्तों, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करो अगर सिट्रॉन C3 की तो आपको यहाँ पे जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है जो कि 80.47 बीएचपी पावर जनरेट करती है एंड 115 न्यूटन मीटर गाइस आपको यहाँ पे टॉर्क जनरेट करके देने वाली है। सो इंजन इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, बैटरी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है, इवन बोनट आप देखें तो आपको यहाँ पे बोनट जो है कवर्ड दिया गया है बट हाँ आपको यहाँ पे जो है ना भाई इंजन प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल होती है। गाइज ये तो था सिट्रॉन C3 के अपडेटेड वर्जन का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, इस गाड़ी का आपको फीचर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।